यदि आप बिहार में जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आज हम आपको बिहार के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बताएंगे। यह एक टाइगर रिजर्व है जो पूरी दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है, जो भारत के बिहार नेपाल बॉर्डर पर हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पिछले 5 वर्षों से बाघों की 5 गुनी बढ़ोतरी हुई। इस टाइगर रिजर्व में कई अलग अलग प्रकार के जानवर, चिड़िया, जलीय जीव पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, हाथी, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। और इस जंगल के बीचों बीच स्थित नदियों में विलुप्त हो रही डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के विषय में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आप आसानी से यहां मौजूद हर प्रकार के जीव जंतु को देख सकते हैं। यहां आप चाहे तो आप अपने निजी वाहन से भी सैर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जंगली जानवरों का डर बना रहेगा। यह एक खूबसूरत जंगल है जो बिहार के बेतिया जिले के वाल्मीकि नगर में पड़ता है। यह जंगल पूरे 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पश्चिम चंपारण जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 17.4% हिस्सा को कवर करता है। इस जंगल का कुछ हिस्सा पड़ोसी देश नेपाल में भी पड़ता है, जिसकी सीमा रेखा गंडक नदी तय करती है। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना का सबसे बड़ा खास बात है कि यह उत्तर प्रदेश के सोहो गिवरबा वन्य जीव अभ्यारण और पड़ोसी देश नेपाल के चितवन नेशनल उद्यान की सीमाएं आपस में मिलाती है और पास स्थित गंडक नदी भी है। यहां पर हिंदुओं का धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम है। यहां तमसा, सोनभद्रा और नारायणी नदी का संगम है। यहां जाने वाले सैलानियों को यहां मौजूद प्रशिक्षित गाइड बाघ और गैंडे के साथ जंगल के अन्य जैव विविधता सामने से दिखाते हैं। इसे वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना और वाल्मीकि नगर उद्यान के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि नगर जंगल इन सब के अलावा भी कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण या फिर मायने रखता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जंगल का भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पीडीए था तथा उन्होंने यहीं पर रामायण नाम के ग्रंथ की रचना की थी। भगवान श्री राम द्वारा अपनी पत्नी सीता का जब परित्याग कर दिया गया था तो माता यहीं पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रही थी और यहीं भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म माता सीता के गर्भ से हुआ था। त्रेता युग में घटित रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी राष्ट्रीय उद्यान में भारत नेपाल बॉर्डर पर घने जंगलों में स्थित है। जंगल सफारी के लिए वीटीआर में आए पर्यटक वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में सैलानियों को देखने के लिए बहुत कुछ है जो आपके मन को हर्षित कर देगा। यहाँ पर सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जंगल में मौजूद रंग बिरंगे जानवर देख सकते हैं। बता दें कि इस टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रकार के पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। सैलानी यहां पर स्थित वॉच टावर से संपूर्ण जंगल का अद्भुत दृश्य भी देख सकते हैं। इसके अलावा बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन जगह है। वाल्मीकि वन्य जीव में सैलानी पहाड़ियों की खूब सुंदरता, घाटियों तथा नदियों के मनोरम दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। पहले तो यहां बाघों की संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन पिछले 3 सालों में यहां पर 40 बाघ की संख्या बढ़ चुकी है। कोलेश्वर झूला पुल वाल्मीकि नगर टूरिज्म जंगल सफारी के लिए वीटीआर में आए पर्यटक वाल्मीकि नगर बिहार वाल्मीकि जंगल से कुछ ही दूर पर स्थित एक कोलेश्वर झूला पुल है। यह पुल 300 मीटर लंबा है जो लोहे की मोटे तारों पर लटका हुआ है, जिसपे चलने पर यह पुल हिलता है, इसलिए इस पुल का नाम कोलेश्वर झूला पुल है। इसका निर्माण सैलानी के आनंद के लिए किया गया, लेकिन यह झूला के दूसरी तरफ घना जंगल है जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिसका कारण सैलानी अंतिम छोर से वापस लौट आते हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। वर्तमान समय से पहले इस राष्ट्रीय उद्यान में पशु तस्कर व्यापार के वजह से यहां पर हर साल जंगली जीव जंतुओं की संख्या कम होती चली गई। अवैध शिकार के कारण यहां पर बाघों की घटकर संख्या 5 रह गई थी, लेकिन भारत सरकार के कड़े कदम और सीधा सुरक्षा बल SSB की वजह से यहाँ पर शिकार बंद हुआ और अब यहाँ मौजूद हर जीव जंतुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। खासकर बाघों की, जिनकी पहले से संख्या 5 थी, अब वह बाघों की संख्या 40 से भी ज्यादा चली गई है।
आप जब कभी वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जाएं तो जंगल के पास में स्थित बने खूबसूरत जंगल कैंप और वाल्मीकि बिहार रिसोर्ट में रुक सकते हैं, या आप वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व होटल में भी रह सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप अपने मोबाइल से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बुकिंग के वेबसाइट पर जाकर अपने लिए वहां पर होटल बुक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बिहार राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भारत सरकार ने एक नई सौगात दी, जिसके तहत अब यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पूरे देश के CATS की यानी कि कैट्स की सूची में 14वां स्थान दिया गया है। बिहार पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वाल्मीकि वन्य जीव उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में पटना से करीब 360 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह जान ले कि आपके लिए बेस्ट समय कौन रहेगा। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य जाने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर महीना से लेकर अप्रैल महीने तक का होता है। गर्मी के दिन में भी आप जा सकते हैं। वाल्मीकि नगर जाने के कई सारे रास्ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पटना एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा और फिर आपको पटना टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बस से भी पहुंच सकते हैं। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण बिहार के राजधानी पटना से करीब 360 किलोमीटर दूर है, जहां आप देश के किसी भी भाग से हवाई मार्ग से आकर यहां से आप बस लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंच सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रेल मार्ग से पहुंचने के लिए देश के किसी भाग से सैलानी यहां के नजदीकी रेलवे स्टेशन बगहा पहुंच सकते हैं, जहां से हर प्रकार की सवारी आपको मिल जाएगी। सबसे खास बात है कि इस टाइगर रिजर्व वन के बीचों बीच रेलवे लाइन गुजरती है। दिल्ली से बगहा के लिए सीधी ट्रेन भी चलती है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।